मानव विकास सूचकांक। विकास को मापने के लिए आय के स्तर को महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु समग्र विकास को मापने के लिए यह मापदंड पर्याप्त नहीं है। हमें अन्य मापदंडों के बारे में भी विचार करना होगा। इसकी सूची लंबी हो सकती है, पर हमें कुछ चुने हुए मापदंडों को लेना होगा। पिछले लगभग 2 दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सूचकों को राष्ट्रीय आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास की माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्टों में भी विभिन्न देशों की तुलना उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा के आधार पर की जाती है। जीवन प्रत्याशा जन्म के समय एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को दर्शाती है। यह एक अनुमान लगाती है कि एक बच्चा कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है। समग्र विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। साक्षरता दर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को बताती है। यदि हम सबके लिए स्कूलों की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ी में यह साक्षरता दर बढ़नी चाहिए। 5 वर्ष तक की उम्र मनुष्य के विकास का महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि में मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास होता है। यदि इस अवधि में बच्चा कुपोषित होता है, तो उसका प्रभाव जीवन पर पड़ने की संभावना बनी रहती है। विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन जीने का मौका दें। बच्चों में कुपोषण को 2 रूपों में मापा जा सकता है, उम्र के अनुसार ऊंचाई तथा उम्र के अनुसार वजन। बच्चों में ऊंचाई तथा वजन का स्तर यदि एक सीमा से कम है, तो वे बच्चे कुपोषित कहलाएंगे। इस बात की बेहतर जानकारी आप आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर पता कर सकते हैं। उपर्युक्त महत्वपूर्ण सूचकों के आधार पर हम निम्नांकित तालिका का अवलोकन कर सकते हैं। तालिका 17.5 भारत व पड़ोसी देशों के चयनित मानव विकास सूचक वर्ष 2010। मानव विकास की दृष्टि से हमें आय व अन्य लक्ष्यों को समग्र रूप में देखना चाहिए। इसी नज़रिए से हमने मानव विकास के सूचकों को समझा है। विकास का प्रभाव मानव जीवन पर झलकना चाहिए। शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक इसके सबसे अहम पहलू हैं। विभिन्न देशों के बीच तुलना करने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं। देशों की अलग अलग मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखते हैं, यानी $1 कितने रुपए के बराबर होगा या कितने युआन या कितने नेपाली रुपए के बराबर होगा। मान लीजिए अमेरिका में एक व्यक्ति के पास $100 है और वह व्यक्ति भारत आता है, तो उसके पास कितने रुपए होंगे। $1 बराबर 65 रुपए बाजार भाव के अनुसार उसके पास लगभग 6,500 रुपए होंगे, परंतु यहाँ हम बाजार भाव का उपयोग नहीं करते। यदि बाजार भाव नहीं लेते, तो डॉलर और रुपए में अनुपात कैसे निकाला जा सकता है। विभिन्न देशों के सर्वेक्षणों के आंकड़ों द्वारा यह पता करते हैं कि $1 में समान मात्रा में कितनी वस्तु और सेवा खरीदी जा सकती है। उपर्युक्त उदाहरण में मान लीजिए कि एक व्यक्ति $100 खर्च करके अमेरिका में कुछ वस्तुएं खरीदता है। जब वह भारत आता है, तो उसी मात्रा में वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे कितने पैसे खर्च करने होंगे। मान लीजिए उस व्यक्ति ने भारत में उसी सामान के लिए 3,500 रुपये खर्च किए, यानी $1 $35 के बराबर हुआ। ऐसा करने से क्रय शक्ति बराबर रखी जा सकती है। आय की तुलना इसी अनुपात से की जाती है, ताकि क्रय शक्ति समता, परचेसिंग पावर पैरिटी बनी रहे।